रात निकाल दी हमने ढूंढने में। भारत उसके पास दिया है, वहां मर दिया का है ना भाभी? भाभी गाड़ी में बैठी, जल्दी भाभी जल्दी आइए। चलिए समय हो गया। भारत, ये मत भूलो कि दिया अभी मेरे पास है। अमर की फांसी को सिर्फ एक घंटा बचा है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अमर को बचाओ या दिया को। कैसी शर्त रख रही हैं आप? उसे नीचे लाइए, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्या कर रही हैं आप? उसे नीचे लाइए प्लीज। आपको क्या लगता है माँ कि आप हमें डराकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? आपकी वजह से मैंने अपने परिवार को उजाड़ दिया, आपकी वजह से मैंने अपने भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया, लेकिन अब नहीं माँ। यही चाहती थी मैं, इन दोनों की वजह से तुमने अपनी माँ को मारना चाहा भारत। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कहने पर इन दोनों को मार दो। मेरा बदला सिर्फ इन दोनों से नहीं, तुमसे भी है भारत। याद है तुम्हें? याद है तुमने अपनी माँ को मारना चाहा था, तुमने अपनी माँ पर गोली चलाई थी। याद है तुम्हें? याद है। सिंदूरा को हराना, आसान नहीं है। क्योंकि अब भी जीत मेरी होगी। उसी का जवाब है भारत। जान तो मैं आज आपकी फिर से लूंगा माँ।
और इस बात का ख्याल रखूंगा कि इस बार आप लौटकर वापस ना आ पाए। माँ कहाँ है भाभी? भाभी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है आप? माँ बाहर निकलिए माँ! बच्चा असली होगा, ये वादा है मेरा तुम दोनों से। देखो मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे पति को छुड़वा दो, मैं हूं इधर, मेरी जान ले लो ना। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं दिव्या। सबसे पहले मैं तुम्हारे पति की जान लूंगी, तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियों को मिटा दूंगी, तुम्हारी बेटी को मार दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी जान लूंगी दिव्या। इतनी आसानी से नहीं। भारत, अमर की फांसी को कितना वक्त है? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जोर से बोलो कितना वक्त है? आधा घंटा बचा है। मतलब आधे घंटे में अमर मर जाएगा? आधे घंटे में अमर मर जाएगा? और अब माँ, नहीं माँ, रस्सी मत छोड़ना माँ, माँ किसी बेगुनाह की जान मत लेना माँ। अच्छा मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या। इंस्पेक्टर साहब, सिंधुराज सिंह जिंदा है, जिसके कत्ल के इल्जाम में अमर भैया को फांसी होने जा रही है। वायरलेस पे मैसेज कीजिए ना, फांसी रुकवाइए। हेलो हेलो, सिंधुराज सिंह जिंदा है और अमर सिंह की फांसी इमीडिएटली रोक दीजिए सर। रुकिए,
पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। अमर सिंह की फांसी रोक दी गई है। उन्हें हरा पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, असंभव है। मुझे कोई नहीं हरा सकता, भगवान भी नहीं, मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता। अमर मर जाएगा थोड़ी देर में। चलो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अमर को फांसी हो जाएगी, फिर मैं दिया को मार दूंगी। मैं भी आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। पापा, अदिति, भाभी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मेरी वजह से अमर भैया की भी जान दांव पर लग गई। I'm so sorry। भारत, तुम्हारी वजह से उनकी जान बची है, दांव पर नहीं लगी है। जो हो गया उसे भूल जाओ। आओ, हम सब मिलकर अमर को लेने चलते हैं। सब सामान है ना? अब जल्दी जल्दी करिए। हाँ जी, हम बुलाते हैं। अरे भैया, तुम लोग जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। हाँ, वहाँ देख लेना। अनिकेत, माँ आप क्यों परेशान हो रही है? सब कुछ समय पर हो जाएगा। हाँ, रिलैक्स। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बक बाकी नहीं और तुम लोग भी। वाह, मुझे कह रहा और खुद परेशान हो रहा है। अरे भैया, हाँ वो लाइट जल्दी से लगाओ। अरे इस तरह क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूं कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं भैया। अरे जल्दी चलिए, कह रहे हैं कि दुल्हन को इंतजार करने की आदत नहीं है। बताइए। हमें भी किसी को इंतजार कराने की आदत नहीं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं दिव्या दीदी। अरे भाई, दुल्हन कहाँ है? यजमान, दुल्हन को भी बुलाइए, मुहूर्त बिता जा रहा है।
ये लो बेटा, संभालो इसे, यही है तुम्हारी दुल्हन। जन्मों जन्मों के लिए बन गई मैं आपकी दुल्हन।